गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर मेरे प्यारे दोस्तों। अभी मैं सोकर उठा हूं और नहाकर फ्रेश हुआ हूं। आज हमारा प्रोग्राम है देहात में, गांव में जाकर एक किसान की जिंदगी का एक्सपेरिमेंट करना, तजर्बा करना। ये है मेरी बेटी कशफ मसूद राव और ये हमारे साथ होंगी आज। बस इनको भी चेंज करवाते हैं और फिर चलते हैं देहात में। आज एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको दोस्तों आज बहुत मज़ा आएगा। आज फुल एंजॉय करेंगे विलेज लाइफ। हमारे साथ रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। और इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि बहुत खूबसूरत जो मुझे चीज़ लगी है, कम से कम यहाँ पे कोई 40-50 जो तीना बत्तख हैं, वो माशाल्लाह से झुरमट इनका घूम रहा है पानी में और बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। यकीन करें बहुत ही मज़ा आ रहा है देखते हुए ना। जी सामेईन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साउथ पंजाब के एक छोटे से गांव में जो बॉर्डर एरिया के करीब है। यहाँ रियासत बीकानेर बिल्कुल करीब लगती है और तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पे इंडिया की रियासत बीकानेर मौजूद है। जी हम सुबह सुबह के टाइम यहाँ पहुँचे हैं, तकरीबन 7-7:15 का टाइम है और यहाँ जनाब अभी नाश्ते चल रहे हैं। हमारी आंटी जनाब नाश्ता बना रही हैं, गर्मा गर्म देसी घी के पराठे, तो और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन करें अगर मैंने नाश्ता ना किया होता ना तो मैं ज़रूर खाता। और बाकी फिर इन हालात में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्यों गोबर की थापियाँ पड़ी हुई हैं तो वही ये चूल्हे के नीचे जला रही हैं, उसी से आग जलाती हैं और ये जनाब नाश्ता और खाना इसी पे तैयार होता है और अपनी फैमिली को खिला रही हैं। लेकिन खुशबू यकीन करें बहुत मज़े की आ रही है देसी घी की, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। मैं तो आंटी को कहता हूँ कि मुझे भी बना कर खिलाएं। आंटी जी, यहाँ पे देहात में लोगों का जो रोज़गार है वो ज़्यादातर इस पे मुनसर है। जानवर रखे हुए हैं, बकरे पाले हुए हैं। मैंने तो इस गांव में यही देखा कि बहुत ज़्यादा जानवर कसरत से लोगों ने रखे हुए हैं। ज़रिया माश खेती बाड़ी है या जानवर रख लेते हैं, तो यही देखने में है। माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे बकरे और जानवर यहाँ देखे, जो नज़ारा बहुत अच्छा लगा। ये जनाब देखे चीना बकरा, लाल बकरा, और अभी ये मैंने देखा यहाँ जनाब ये दड़बे में मुर्गा और मुर्गी हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है जी, क्या बात है। तो आज मैं इस गांव में विज़िट के लिए आया तो मैंने ये आवाज़ सुनी, तो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी, गांव से काफ़ी दूर ये जगह थी, तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाई जाए, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ और आपको इसका सिस्टम दिखाता हूँ, क्या है, कैसा साउंड है, क्या तरीक़ेकार है। ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसका पॉइंट लगा हुआ है, ये चक्की है, इसमें ये आटा वगैरह निकालते हैं, आयल वगैरह भी बनाया जाता है। तो ये मोबलाइल से ही चलती है, तो डीजल वीजल का कोई चक्कर नहीं, लेकिन इसका सिर्फ साउंड जो है इस चक्की का वो मुतासिर कर देने वाला है। स्प्रे करने का तरीक़ेकार आप देखें, इसको ज़रा मुलाहिज़ा करें कैसे स्प्रे हो रही है। ये कपास की फसल को कीड़े मार दवाइयों की स्प्रे हो रही है कीड़े मारने के लिए। और जनाब ये बिल्कुल पुराने माहौल में पुरानी रिवायात के मुताबिक इन्होंने बर्तन सजाए हुए हैं। आहा प्यारी मुन्नी कैसे झूले ले रही है पालने में, क्या बात है। ये देखें जी झटका स्टाइल है, पहले ऐसे कपड़े को बांध देते थे और बच्ची को झुलाते थे और बच्चे सारे इसी तरह खुश होते थे बच्ची के साथ खेल के। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।
बच्ची मजे से झूला ले रही है और इसी में सुला देते थे। ये हाल है बाबा जी, ठीक हो? तबीयत ठीक ने? माशाल्लाह बड़ा प्यारा डेरा बनाया मेरे बाबा जी ने। क्या बात है, कितनी प्यारी हवा चल रही है, मौसम कितना सुहाना है, इस गर्मी में कितना प्यारा मौसम है। और ये डेरे पे जनाब, यहाँ पे मुर्गियाँ सराउंडिंग में ग्रीनरी क्या नज़ारा कर रही है, यकीन करें कि इतना मज़ा आ रहा है ना इस वक्त यहाँ, आप सोच नहीं सकते। ये देखें बकरियाँ हैं और ये गाय का बच्चा है, बछड़ा एक छोटा सा, अभी इसकी पैदाइश हुई है तकरीबन कोई 20-22 रोज़ पहले। कितना प्यारा है ये, मैं कह रहा हूँ कमाल है। यहाँ पे मौसम इस वक्त इतना प्यारा है, सख्त गर्मी का मौसम है हालांकि, लेकिन यहाँ कुदरत के नज़ारे हैं, अल्लाह पाक की कुदरती हवा है, बहुत ही मज़ेदार मौसम है। यहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं डेरे पे, बड़ी प्यारी, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये देखें कितनी प्यारी मुर्गियाँ हैं, लेकिन पिंजरे में कैद हैं बेचारी। और बड़ा ठंडा मौसम है इस वक्त यहाँ, मैं कह रहा हूँ कि गर्मी में बुरा हाल था, लेकिन यहाँ आने के बाद ज़रा सुख का सांस आया है। देखें आप नज़ारे अल्लाह के। ये जो फसल है इसको इस वक्त कहीं कहीं पे मेरा कैमरा अगर दिखा सके तो, ये कॉटन लगी हुई है, खिला हुआ है फूल, और इसको अभी थोड़ा थोड़ा चुनाई कर रही है क्योंकि कंप्लीट ये तैयार नहीं है, तो अभी ये तकरीबन एक माह लग जाएगा कंप्लीट फसल को तैयार होने में। ये कपास के अंदर ही इन्होंने एक ही लग गया, नींबू लग गया, फ्रूट लगाया, नींबू अमरूद वगैरह इन्होंने बीच में ही फसल लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये जी गांव में हमें बुजुर्ग मिले थे, भैंसों को अपने नहला रहे हैं, ये आपको दिखाना था। ये छोटा सा इन्होंने, इसे पंजाबी में कहते हैं टोबा, पानी का स्टॉक किया हुआ है एक हौज में, उसमें ये भैंसों को स्विमिंग और करवाते हैं। ये जनाब चारा काट के लेके आए अपने जानवरों के लिए, ये एक डेरा है, ऐसे लेके आते हैं गधा गाड़ी पे। ये अभी चारा लेके आए हैं, ये सारा अंदर शिफ्ट करेंगे अपने शोरूम में, जहाँ पे इसको ये काटेंगे जानवरों के लिए। ये डेरा है, अंदर इनके जानवर बंधे हुए हैं और अंदर से आपको डेरे का भी नज़ारा करवाते हैं। तो अभी आपको ये मशीन पे ये चारा, इसका पट्टे कैसे काटेंगे, पंजाबी में पट्टे कहते हैं इसको, ये कैसे काटते हैं और क्या तरीक़ेकार है वो भी आपको दिखाते हैं, और अंदर इनके डेरे के जानवर भी दिखाते हैं, और अंदर एक छोटी सी बच्ची भी है वो भी आपको दिखाएंगे। आज का व्लॉग हम यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं, उम्मीद है कि आज की हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ ही ट्रैवल विद मसूद से राव मसूद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।